तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है ये। और दोस्तों मैं इस डेबिट कार्ड का जो एटीएम पिन होता है मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता है कि इस डेबिट कार्ड का पिन क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से डेबिट कार्ड का पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप पिन के लिए भूल जाते हैं तो उसके लिए फिर से एक नया पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप अपने डेबिट कार्ड का यानी कि एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं, आपको नहीं पता है आपके डेबिट कार्ड का पिन क्या है, आप अपने पिन को चेंज करना चाहते हैं, आप पिन के लिए फिर से रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को सही से देख लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको एटीएम मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही मोबाइल फोन से पिन के लिए चेंज कर सकते हैं यानी कि रजिस्टर कर सकते हैं और एक नया पिन जनरेट कर सकते हैं। तो आप भी अपने डेबिट कार्ड का पिन भूल गए हैं तो इस वीडियो को आपको सही से देख लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको विदाउट एटीएम मशीन के पास जाए घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से पिन को चेंज कर लेना है यानी कि पिन को रजिस्टर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने डिस्प्ले पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड का पिन चेंज करने के लिए या फिर आप पिन भूल जाते हैं उसके लिए फिर से रजिस्टर करने के लिए आपके पास बीओवर्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। एंड दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो रजिस्टर होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है बीओवर्ड एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट के लिए कैसे रजिस्टर करते हैं तो दोस्तों इस टॉपिक पे पहले मैं एक वीडियो के लिए बना चुका हूँ, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन चेंज करना है यानी कि पिन आप भूल चुके हैं उसके लिए फिर से रजिस्टर करना है। उसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेना है यानी कि बीओवर्ड एप्लीकेशन के लिए ओपन कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन के लिए ओपन कर लेता हूँ, मैं दोस्तों यहाँ क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 48 का लॉगिन पिन एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ मैं लॉगिन पिन को एंटर कर दिया है। तो लॉगिन पिन को एंटर करने के बाद आपको करना क्या है, डेबिट कार्ड का पिन चेंज करना है। पिन चेंज करने के लिए आपको एप्लीकेशन के नीचे आ जाना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कार्ड्स वाला, सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल यहाँ क्लिक कर देना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं व्यू कार्ड, सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से जो भी डेबिट कार्ड अभी लिंक है, जो भी आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो डेबिट कार्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपका जो भी बैंक अकाउंट वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने कुछ चीजों के लिए यहाँ ब्लर कर दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अपने डेबिट कार्ड का पिन चेंज करना है। पिन चेंज करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, किसी भी ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका एक डेबिट कार्ड यहाँ दिखाई दे जाएगा, सिंपल आपको अपने डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं, यहाँ हमें दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेट पिन, सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ मैंने ओटीपी को एंटर कर दिया है, ओटीपी को एंटर करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एंटर न्यू पिन और आप यहाँ देख सकते हैं री एंटर न्यू पिन, तो यहाँ से आपको अपना एक नया पिन जनरेट कर लेना है यानी कि अपने डेबिट कार्ड का एक नया पिन बना लेना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ एक नया पिन बना लेता हूँ। दोस्तों यहाँ मैंने अपने डेबिट कार्ड का एक नया पिन बना लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और दोस्तों नीचे आने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक सबमिट वाला बटन, सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद बीओवर्ड एप्लीकेशन का जो भी आपका ट्रांजेक्शन पिन है वो ट्रांजेक्शन पिन आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ मैंने ट्रांजेक्शन पिन के लिए एंटर कर दिया है, ताकि आप यहां देख सकते हैं यू हैव सेट योर डेबिट कार्ड पिन सक्सेसफुल। दोस्तों हम अपने डेबिट कार्ड का सक्सेसफुल पिन के लिए जनरेट कर चुके हैं। इसी तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से पिन के लिए चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने डेबिट कार्ड के पिन के लिए भूल जाते हैं तो आपको एटीएम मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरीके से घर बैठे अपने पिन के लिए चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो बैंक से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको कर देंगे। एंड दोस्तों हो सकेगा तो हम उस टॉपिक पर वीडियो भी आपको बना के दे देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।